जातिवादी, वंशवादी और भ्रष्ट मजबूर सरकार की इच्छा रखने वालों को उसने पिछले 5 चरण में सबक दिखा दिया है, सबक सिखा दिया है। और आज सुबह से भी देश में जहां मतदान हो रहा है, इनको सजा देने के लिए ही मतदान सिलसिला जारी है। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आतंक से निपटना सपा बसपा के बस की बात ही नहीं है। मुझे बताइए भाई, ये जितने प्रधानमंत्री के चेहरे आज बाजार में घूम रहे हैं, 8 लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कहता है प्रधानमंत्री बनेगा, 20 लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेगा, 30 लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, इतने सारे चेहरे हैं। मुझे बताइए, इन सारे चेहरों में हिम्मत के साथ सीना तान करके आतंकवाद के खिलाफ कौन लड़ सकता है? भाइयों बहनों, ये सपा बसपा कांग्रेस वाले तो ऐसे लोग हैं जो गली के गुंडे तक पर भी लगाम नहीं लगा पाते, ये आतंकवाद पर लगाम क्या लगाएंगे?